बीते शुक्रवार 19 मई को बोकारो के चास स्थित शिवपुरी कॉलोनी में हुई हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बोकारो एसपी चंदन झा तथा बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी से मुलाकात की। मृतक के परिजनों के साथ साथ चंदन क्यारी के पूर्व विधायक सह मंत्री उमाकांत रजक तथा पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल भी थे। उन्होंने कहा कि आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं शिवपुरी कॉलोनी में विष्णु शर्मा नामक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, पर अभी तक पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज एसपी और डीसी से मिलने के बाद 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी कर लिए जाने का आश्वासन मिला है। वहीं बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा कि कई बार उपायुक्त महोदय को संज्ञान में दिया गया है कि यहां से लेकर जैना मोड़ तक जमीन विवाद के कई सारे मामले हैं जिनका निष्पादन करने में काफी वक्त लगता है, जिससे और भी विवाद बड़े होते जाते हैं। निश्चित रूप से यह हत्या भी जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिला प्रशासन को इन मामलों को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। आप लोग आज आए थे डीसी साहब और एसपी साहब से मिलने के लिए, किन चीजों को लेकर के आए थे, क्या आश्वासन अभी तक आप लोगों को दिया गया है? आश्वासन तो यही दिया गया कि 2 दिन के अंदर में त्वरित कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर सलाखे में ले आकर के आप लोगों को सूचना दे दूंगा, यही उनका एसपी साहब का कहना है। और भी कुछ ऐसे बात हैं जो गिरफ्तारी होने के पश्चात आप लोग के समक्ष में इस बात को रखेंगे। एसपी साहब से मिले, एक्चुअली जो घटना हुआ है शिवपुर कॉलोनी में 19 तारीख को, उस घटना के संदर्भ में हम लोगों ने मिला और त्वरित कार्रवाई करने का हम लोगों ने आग्रह किया है, और इस केस को जो है फर्स्ट ट्रैक में जल्द से जल्द उसको सजा हो, इसके लिए हम लोगों ने मिला है। डीसी से मिलने का कारण है कि इस पर चूँकि जिला के हेड हैं तो इनका सारा चीज़ को देखना है, इस ख्याल से भी इनके संज्ञान में और इनकी इसकी बात की गंभीरता को के लिए हम लोग आए थे। इसमें एक बात एडिशन में हम लोगों ने डीसी साहब से कहा है कि बोकारो के अंदर में जो जमीन का विवाद है और विशेष करके बोकारो से लेकर के जैना मोड़ जरीडी प्रखंड, इस विवाद को लेकर के, क्योंकि जमीन का विवाद जब आता है सिविल में सीओ के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, एलआरडीसी के यहाँ, असिस्टेंट कलेक्टर के यहाँ, तो इसमें विलम्ब होता है, तो इस पर कार्रवाई हो। और यदि किसी ज़मीन पर 144 हो तो 144 वो कार्रवाई एग्जिस्ट करे है, तो ये इस तरह के विवाद में निश्चित रूप से कम होगा, लोगों के अंदर में अंकुश होगा, यही विषय। देखिए, क्योंकि हम लोगों को कानून पर और प्रशासन पर भरोसा है और हम समझते हैं कि डीसी साहब भी अच्छे हैं, एसपी भी संज्ञान में लिए हैं विषय को, हमको लग रहा है कि एक आध दिन में इसका रिजल्ट मानते हैं कि जमीन विवादी के लिए इस तरह निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये मामला जो था ये जमीन विवाद से ही आकर के उभर करके इस स्टेज पर आया है, और ये जघन्य अपराध है, ये इस पर कितनों भी निंदा की जाए ये कम है।